हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह यहाँ पे मैं थोड़ा सा घर डेकोरेट कर रही हूँ। बेडरूम कल रात को ही कर दिया था, डेकोरेट तो नहीं, ऐसे ही एक फेरी लाइट ऐड किया है, उसमें हनी बन के फ़ोटोज़ लगाए हैं, पुराने फ़ोटोज़। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे कुशन कवर वगैरह सारा चेंज कर दिया है। ये सब थोड़ा बहुत अरेंज करने के बाद फिर मैं हनी बनी का रूम भी थोड़ा सा अरेंज करूँगी, देन मैं जाऊँगी किचन में। इवनिंग को कुछ आज गेस्ट आ रहे हैं, मतलब ऐसे जीत के कलीग्स आ रहे हैं, तो उनके लिए खाना बनाना है। तो खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि घर का थोड़ा सा सेटिंग वगैरह डेकोरेट वगैरह कर दूँ। तो ये प्लांट्स वगैरह थोड़े से डस्ट वगैरह आ गए थे, तो अच्छे से उनको शावर दे दिया है। तो बस ये सब काम करूँगी। एंड मैं पहले से बता देती हूँ कि आज का जो ब्लॉग रहेगा वो मोस्टली कुकिंग ब्लॉग रहेगा, एंड मोस्टली मैं नॉनवेज बनाऊँगी, क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं वो सारे नॉनवेज उनको पसंद है। बस मैं वेज में दही भल्ले बनाऊँगी, तो जिनको नॉनवेज देखना इतना पसंद नहीं है तो वो लोग स्किप कर सकते हैं, सो सॉरी फॉर दैट। एंड आज मैं जो चाचा जी, मेरे जो चाचा ससुर है, उनका एक बिरयानी जो वो बनाते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। एंड मैं कब से बोल रही हूँ, एंड आप लोग भी बहुत दिनों से बोल रहे हो कि वो रेसिपी शेयर कीजिए, तो वो चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, मटन रोस्ट बनाऊँगी, चिकन पकौड़ा बनाऊँगी एंड दही भल्ले बनाऊँगी। तो बस आज का कुकिंग ब्लॉग रहेगा, होप आप लोगों को पसंद आएगा। एंड ये जो हनी बनी का रूम है ये भी अच्छे से अरेंज कर दिया है, तो देखते हैं कितने देर तक ऐसा रहता है। सबसे पहले मैं दही भल्ले के लिए बैटर बना लूँगी। यहाँ पे उड़द दाल मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, तो वो ले लिया है। जिंजर और हरी मिर्च ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है। उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देन इसको पेस्ट को हम लोग अच्छे से बिल्कुल मतलब बहुत टाइम तक, करीब 10 से 15 मिनट तक उसको अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाएगा। जितना अच्छा फ्लफ़ी होगा उतने अच्छे आपके दही भल्ले। देन यहाँ पे मैं बना लूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट तो हर रेसिपी में यूज़ होगा, इसीलिए मैं ज़्यादा एक ही साथ बना रही हूँ। तो जिंजर गार्लिक मैंने इक्वल रेशियो में ले लिया है, उसमें बस पानी ऐड करके उसका पेस्ट बना लूँगी। साथ ही साथ अनियन भी सभी में यूज़ होगा, तो अनियन भी पील करके मैं रख लूँगी अच्छे से वॉश करके। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे मैं उसको चॉप करूँगी। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी मटन, क्योंकि मटन बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मटन बनने के लिए रख दूँगी। देन मैं बाकी सारी जो काम है वो भी करते रहूँगी। तो प्याज यहाँ पे मैंने स्लाइस नहीं किया है, चॉप कर लिया है। ऑयल लिया है, ऑयल में खड़े गरम मसाले, तेज पत्ता वगैरह ये सब ऐड कर दिया है। देन ये चॉप प्याज जो है वो ऐड कर दिया। प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से मैं भून लूँगी। देन इसमें मैं ऐड करूँगी मटन। मटन को भी प्याज के साथ में करीब 10 मिनट तक भून लूँगी, हल्का सा बस भूनना है, ज़्यादा नहीं। देन इसमें मैं ऐड करूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, करीब 4 बड़े चम्मच। एंड टमाटर भी इसी के साथ में मैं ऐड कर दूँगी, मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया है, तो आप चाहो तो काट के भी ऐड कर सकते हो। हल्दी ऐड करेंगे, बेसिक मसाला जो है ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तीखा नहीं है, कलर के लिए मैंने ज़्यादा ऐड किया है। देन ये है धनिया पाउडर एंड मीट मसाला, नमक भी ऐड कर लिया है स्वाद के अनुसार। बस सारे मसाले को अच्छे से मटन के साथ में मिक्स कर लेंगे एंड इसको करीब 45 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मटन से भी पानी निकलेगा एंड उस वो पानी भी ड्राई हो जाएगा, तो तब तक अच्छे से भून लेंगे। तो जब तक मटन बन रहा है यहाँ पे मैं दही भल्ले के लिए जो रेड वाली चटनी होती है ना, खट्टी मीठी वाली, वो बना लूँगी। पानी लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है गुड़ यानी कि जागरी, आप चाहो तो चीनी भी ऐड कर सकते हो। इमली का पल्प ऐड कर लिया है। देन इसमें मैंने ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च, ये है काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर, एंड ये है ब्लैक सॉल्ट, नॉर्मल नमक नहीं ऐड किया है, ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। एंड ये है सौंफ यानी कि फेनल सीड का पाउडर, वो बहुत ज़रूरी है। देन थोड़ा सा बॉईल आने के बाद इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर का जो स्लरी है वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा थिकनेस आने के लिए, थोड़ा सा गाढ़ा बनने के लिए। बस इसमें बॉईल आएगा एंड हमारा जो रेड वाली चटनी है ये बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हरी चटनी भी बना लूँगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे पुदीना पत्ता लिया है एंड धनिया पत्ता, जितना मैंने पुदीना लिया उसका आधा मैंने धनिया लिया है, हरी मिर्च ले ली है, एक बड़ा साइज का नींबू जो है वो ले लिया है। नमक ऐड करेंगे, बस उसका पेस्ट बना लेंगे। हमारी हरी चटनी जो है ये भी बनके रेडी हो जाएगी दही भल्ले के लिए। देन साथ ही साथ मैं उसी जार में जो चिकन पकोड़ा बनाऊंगी उसके लिए भी चटनी बना लूँगी। सेम वही धनिया पुदीना इक्वल अमाउंट में लिया है। देन यहाँ पर हरी मिर्च, नमक, नींबू, इसमें बस हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, वो है दही। तो बस दही
एक दो बड़ा चम्मच ऐड कर लेंगे तो ये हमारा हरी वाली चटनी चिकन पकौड़ा के लिए वो भी बन के रेडी है। तो इन द मीनवाइल यहाँ पे देखिए मटन जो है ये भी बन के रेडी हो गया है, मतलब अच्छे से भुन गया है। तो बस इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, मैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ, आप अपना अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस इसमें मैं करीब 4 से 5 सीटी लगा दूँगी एंड बस हमारा मटन जो है ये बन के रेडी हो जाएगा। पार्टी के लिए बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा तेल मसाला ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मटन बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। गाइस वड़े जो है वो सॉफ्ट होने के लिए तो डाल दिए हैं, मटन भी बनने के लिए रख दिया है। अभी मैं मैरिनेट करूँगी चिकन। तो चिकन यहाँ पे दो टाइप का हम लोग लेके आए हैं, एक थोड़ा सा छोटा छोटा पीसेस है जो पकौड़े में हम लोग यूज़ करेंगे एंड ये जो बिरयानी में बड़े बड़े लेग पीस जो है, मोस्टली लेग पीस ही लेके आए हैं। तो पहले मैं जो पकौड़े के लिए है, चिकन पकौड़े के लिए, वो मैरिनेशन करके रख दूँगी, ज़्यादा टाइम मैरिनेट होगा तो अच्छा लगेगा। एंड बिरयानी की रेसिपी के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं आज आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल बिरयानी, मतलब उसमें ना बिरयानी मसाला यूज़ होगा, ना उसमें केसर यूज़ होगा, ना कोई बिरयानी एसेंस यूज़ होगा, कुछ भी नहीं यूज़ होगा। बस हाँ, घी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होगा, बट एक बार आप ट्राई करना, बहुत ही मतलब थोड़ा सा अलग एंड डिफरेंट टेस्ट का आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार ट्राई करना ज़रूर। तो बाकी सारी रेसिपीज तो मैंने ऑलमोस्ट अपने चैनल पे शेयर की हुई है, अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है तो मैं सारे उसमें लिंक, जो दही भल्ले हो गया, चाहे पकोड़ा हो गया, मटन हो गया, वो सब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट ये जो बिरयानी है ये मैं पहली बार शेयर करूंगी, तो चलिए पहले इसको मैं मैरिनेट कर लेती हूँ पकौड़े के लिए, देन बिरयानी का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चिकन पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे जो चिकन लिया है मैंने 3 किलो लिया है, तो उसमें मैं 4 अंडे ऐड कर रही हूँ, 4 eggs, थोड़े से छोटे साइज़ के इसलिए मैंने 4 ऐड किया है, वरना अगर बड़े साइज़ के तो आप 3 ऐड कर सकते हो। देन उसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, करीब 2 छोटे चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, देन यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा तीखा वाला लाल मिर्च है ये, देन ये कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी अच्छे से कलर के लिए। मीट मसाला थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो तो तंदूरी मसाला भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो। देन इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के लेमन जूस ऐड किए हुए हैं एंड जो चटनी बनाई थी ना मेन चटनी, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, वो ऑप्शनल है बट अच्छा टेस्ट आता है। देन इसमें मैंने करीब 3 बड़े चम्मच दही ऐड कर दिए है, नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, पहले उसको हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। देन इसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर, तो मिक्स करने के बाद आप लोग धीरे धीरे कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही उसका एक आ जाएगा ना कोटिंग टाइप का, उसी टाइप का जैसे ही आ जाएगा तो बस ये हमारा जो मैरिनेशन है बन के रेडी है, उसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। चिकन बिरयानी के लिए यहाँ पे जो चिकन लिया है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, नमक, थोड़ा सा बस कश्मीरी लाल मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे, बस इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे, देन हम लोग इसका जो भी मसाला है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, उसमें अच्छे से हम लोग इसको फ्राई कर लेंगे, करीब 10 से 15 मिनट तक अच्छे से उसको फ्राई कर लेंगे। तो सेम कढ़ाई लिया है मैंने, उसमें से ऑयल मैंने आधा कर दिया है, देन उसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, उसमें ऐड कर दूँगी देन स्लाइस्ड अनियंस, तो अनियन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, कोई भी खड़े गर्म मसाला हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, सारे खड़े गर्म मसाले हम लोग राइस में यूज़ करेंगे, मोस्टली राइस को हमें बहुत ज़्यादा फ्लेवरेबल जो है वो बनाना है, तो अनियन को बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देन इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका रॉ फ्लेवर जो है वो चला नहीं जाता है। बस ये भुनने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम लोग टमाटर, करीब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, टमाटर को बिल्कुल मशी होने तक अच्छे से भून लेंगे। बस मसाले के हिसाब से हम लोग नमक ऐड कर देंगे इसमें, क्योंकि ऑलरेडी चिकन में हमने नमक जो है वो ऐड किया हुआ है, तो बस मसाले के हिसाब से नमक ऐड करके उसको अच्छे से भून लेंगे टमाटर को।
टमाटर सॉफ्ट हो गया है, बेसिक मसाले ऐड करेंगे जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड यहाँ पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा तीखी वाली लाल मिर्च एंड कश्मीरी लाल मिर्च। बस इसको हम लोग मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा जो मसाला है उसको हम लोग करीब और 2 से 3 मिनट भुनेंगे। देन इसमें मैंने जो फ्राई करके रखा था चिकन वो ऐड कर देंगे। इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे चिकन को मसाले के साथ में। बस इसमें मैं थोड़ा सा बस पानी ऐड करूँगी। चिकन लगभग फ्राई करते टाइम आधा कुक हो गया है और आधा कुक करने के लिए उसको हम लोग पानी ऐड करके ढक के और बस 10 से 15 मिनट कुक कर लेंगे। तो बिरयानी के लिए अभी चावल बना लेंगे। तो इसी को हमें बहुत ज़्यादा फ्लेवरेबल बनाना है एंड जैसे कि मैंने बताया इसमें ज़्यादा घी का यूज़ होगा। तो करीब 5 से 6 बड़े चम्मच घी मैंने लिया है। इसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तेजपत्ता, लौंग, इलायची, ब्लैक पेपर, स्टार एनिस वो सब ले लिया है। ये गरम मसाले अच्छे से खड़कने के बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे पानी। तो चावल मैंने लिया है 5 ग्लास, तो उसी हिसाब से मैंने पानी लिया है 6 ग्लास, तो आपको ऐसे ही लेना है। देन इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी स्वाद के अनुसार। तो बस पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा। देन इसमें मैंने चावल ऐड कर दिया। तो ये मैंने बिरयानी चावल लिया है, कोई भी भिगो के मैंने इसको नहीं रखा था, बस नॉर्मल वॉश किया है। देन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। बस इसको अभी दम पे बिठाएंगे, चावल को हम लोग दम पे बिठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है। करीब इसको हम लोग 20 मिनट अच्छे से कुक कर लेंगे। दही बल्ले के लिए यहाँ भी मैं दही बना लूँगी। तो उसके लिए दही लिया है, उसमें चीनी ऐड किया और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी करीब 2 से 3 मिनट, ताकि दही जो है बिल्कुल क्रीमी हो जाए। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद एंड वहाँ पे वड़े जो है उसको भी मैंने अच्छे से पानी उसका निकाल के ऐसे रख लिया है। उसके ऊपर से हम लोग दही ऐड कर देंगे। अच्छे से उसको दही में बिल्कुल डुबो लेंगे ताकि स्वाद जो है उसका अच्छा आ जाए, दही का फ्लेवर उसके अंदर चला जाए। देन उसके ऊपर जो हरी चटनी बनाई थी पहले वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। देन लाल वाली चटनी जो है सौंट वो ऐड कर देंगे। एंड खाने से पहले मैं उसके ऊपर चाट मसाला ऐड करूँगी एंड सेव ऐड करूँगी। अगर आप चाहते हो तो और भी अपने पसंद का अनार भी कोई ऐड करते हैं, देन धनिया पत्ता वगैरह वो सब भी ऐड कर। यहाँ पे सलाद के लिए मैंने थोड़ा से खीरे यानी कि कुकुम्बर एंड गाजर जो है वो काट लिया है एंड प्याज को मैंने बिल्कुल पतले पतले स्लाइस करके 3-4 घंटे पहले ही काट लिए थे। उसको पानी में डाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि उसका जो तीखापन है वो चला जाए। इस टाइप का सलाद हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी एंड बस खाने से पहले मतलब सर्व करने से पहले उसमें थोड़ा सा लेमन जूस एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड करके सर्व करूँगी। धीरे धीरे मैं मतलब सामान भी जो किचन का सामान है वो भी साफ कर रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि घर क्लीन है, खाना अच्छा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर किचन गंदा रहेगा, सिंक में से बर्तन पड़े रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो धीरे मतलब ये सब धो दिए हैं और अभी ये बस पड़े थे ये धो दूँगी, कुछ और निकलेंगे वो धो दूँगी, बस किचन क्लीन कर दूँगी। मतलब उसके आने से पहले किचन क्लीन करके रख दूँगी, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यहाँ पे चावल जो है ये बन के रेडी हो गए हैं। देखिए पानी अब उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा तो चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं एंड अच्छे से फ्लेवर भी आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नॉर्मली जो चाचा जी बनाते हैं वो ऐसे फिर से दोबारा से दम पे नहीं लगाते हैं, दम पे नहीं बिठाते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम बाद हम लोग सर्व करेंगे तो इसलिए मैं अभी से सारा सेटिंग करके रख लूँगी। बस खाने से पहले मैं 10 मिनट फिर से उसको दम दे दूँगी। तो यहाँ पे पहले चावल ऐड कर देंगे, देन जो चिकन रखा था हम बना के वो ऐड कर देंगे, फ्राइड अनियंस एंड मिंट लीव्स एंड कोरिएंडर लीव्स वो ऐड कर देंगे। ऐसे नॉर्मली हम लोग लेयरिंग करते हैं ना, वैसे ही हम लोग लेयरिंग कर लेंगे।
बीच बीच में अगर आप चाहो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हो, देन केसर वाला जो दूध है वो भी ऐड कर सकते हो। बट इस रेसिपी में उन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस ऊपर से थोड़ा सा मैंने देसी घी और ऐड कर दिया है। बस उसको मैं कवर करके रख दूँगी, खाने से पहले 10 मिनट दम लगा दूँगी। यहाँ पर हल्का सा चावल में कलर आने के लिए यहाँ पर मैंने रेड फूड कलर ऐड किया। तो गाइस किचन हो गया है पूरा क्लीन, बर्तन जस्ट अभी धोए हैं, थोड़ा सा पानी निकल जाए फिर मैं उसको रख दूँगी। यहाँ पे मैंने बिरयानी बस खाने से पहले 10 मिनट दम लगाऊँगी, मटन भी उसी टाइम पे थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। यहाँ पे मैंने जो चिकन पकोड़े के लिए ऑयल निकाल के रख दिया है, एंड बाकी यहाँ पे है वो चिकन पकौड़ा, दही भल्ले, रायते, सलाद, सारी चटनियाँ, बस चटनी सारा ये सब मैं अभी कवर करके रख दूँगी। अभी मैं जाती हूँ किचन में, मैंने कैंडल वगैरह सारा लगा दिया है, बस बेडरूम वगैरह रूम वगैरह सब कैंडल लगा के खुद रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। एंड हाँ, मीठे में हमने आइसक्रीम मंगवाया है और उसके साथ में मैंगो जो है वो काट के बस उसमें डालेंगे, मैंगो आइसक्रीम के साथ में मैंगो क्यूब्स काट के डालेंगे। तो बस ये मेरा सारा खाना रेडी है अभी। जीत यहाँ पे ये क्या रूम स्प्रे कर रहे हैं, ये बुला के ला रहा है कि मेरे रूम में भी करो, मेरे रूम में मेरे खिलौने को करो, ओके ओके। उसको लग रहा है कि परफ्यूम है तो थोड़ा इधर सारे क्या है, ये क्या फ्री में मेरी घड़ी देख, मेरी घड़ी फोन लेके आया है, कूल बट माय वॉच हियर, ए साइड हो जाता है, ओके डन 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 डन। वे Where to spray, baby? There. There. Hey, okay, okay. You come down. And guys, ये वाली light कैसी लग रही है बताना? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ब्लॉग में यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को पता है कि मैं ऐसे अपने रिलेटिव फ्रेंड्स लोगों से बताती नहीं हूँ कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ऐसे कुछ है। तो जो लोग आ रहे हैं शायद उनको भी कुछ नॉलेज नहीं है कि हमारा कोई चैनल है, एंड ऐसे ही बिना पूछे किसी को वीडियो में लेना मुझे भी पसंद नहीं है। तो ब्लॉग यहीं पर एंड कर देंगे, अगर एंड में कुछ आप फोटोग्राफ ले पाएंगे खाने वाने का तो मैं शेयर करूँगी, वरना नहीं। तो आज का ब्लॉग मोस्टली कुकिंग ब्लॉग, एंड ये आगे ब्लॉग एंड करने के लिए कुछ तो बोलो, मैंने इतना काम किया सुबह से, अभी मैं नहा के आई हूँ। अच्छा अभी जाके नहीं, मैंने सुबह नहाई थी, मतलब दोबारा नहाई। वेरी गुड, जैसे बोलते हैं नारी सशक्तिकरण है ना, लेडीज आर द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स ऑफ दिस प्लैनेट, आई हैव वन। क्या आप बोलते हैं, आप में से अग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, है ना, एंजॉय कीजिए, कम 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 उनको सरप्राइज मिल गया है, बस मतलब सरप्राइज का कोई वैल्यू नहीं रहा है, डेली उनको दो बार सरप्राइज मिला सुबह शाम से। बाय, हां आई विल गेट यू, ओके, कैन यू से बाय, कैन यू से बाय, आई डोंट सी फ्रेंड मी, ओके, यू वांट टू गो लाइक दिस, ओके ओके गाइस, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, बाय बाय, टेक ओके, से कैन यू से, बहुत दिन हो गए नहीं बोले, कैन यू से लाइक, हां।
Bye guys. Bye bye.